मिला था, लेकिन उन 27 लोग जिनके नाम काटे गए थे वो इसलिए काटे गए थे क्योंकि सब के पास मोटरसाइकिल था। और जैसे अभी पीडी साहब ने बोला है कि अगर मोटरसाइकिल है तो आपका नाम काटा जाएगा। क्यों काटा जाएगा? क्योंकि आपका एक मोटरसाइकिल आता है कितना, 40-50 हजार में, 80-90 हजार। तो अगर आपके पास 80-90 हजार रुपए है तो पहले घर बना लेते, पहले मोटरसाइकिल खरीदने की जरूरत क्या थी? बात सही है कि नहीं सही? इसीलिए उनके नाम काटे गए। अब यही मैंने समझाया और तस्वीरें मैं लाई अपात्र लोगों के लिए। जो रंजीत के पास तस्वीरें हैं, हम अभी पीटी साहब को देंगे और वो खुद देखें कि वो किस किस्म के लोग हैं। बहुत बड़े बड़े उनके पक्के घर हैं और जो उनको सरकार को मिला है वो अपने पक्के घरों के ऊपर बना रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा। हम लोग ये जो बड़ा मजमा कर रहे हैं, ये लक्ष्य केवल एक है, दो है। एक तो आपको सिखाना कि इसके अलावा आपको क्या मिलेगा। घर के अलावा आपको आयुष्मान मिलेगा, आपको और पैसा मिलेगा घर बनाने के लिए, अन्य चीजें जो अभी आपको पांडे जी ने समझाया है। लेकिन उसके अलावा सबके सामने ये बोलना कि मेरे होते हुए कोई रिश्वत ले ले आपको अपना हक दिलवाने के लिए, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। तो इसलिए आपको सीधा पैसा दिया जा रहा है, आप उस सीधे पैसे को इस्तेमाल करिए और किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है अपने ही काम करवाने की। अगर इसके बाद भी जो आपको घर दिया गया है आपको कोई तकलीफ होता है उस घर को बनाने में तो हमें बता दीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। मैं, विधायक जी, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, वो सब यहाँ बैठे हैं इसी कारण। और